गुड मॉर्निंग। आज है प्रोटीन पाउडर बनाने का टाइम। कितने दिन से सोच रही थी कि मैं प्रोटीन पाउडर घर पर बनाऊँ, होममेड प्रोटीन पाउडर। तो ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज प्रोटीन पाउडर बनाते हैं। प्रोटीन पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से कभी भी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया। तो आप देख लीजिए मैं प्रोटीन पाउडर किस तरह से बनाती हूँ। अपना रेगुलर सामान जो होता है, मगज के बीज, सनफ्लावर, तरबूज के बीज, जो भी है, काजू बादाम, जो मेरे घर में अवेलेबल है, वो सब सारी चीज़ें पीस लूँगी मैं और प्रोटीन पाउडर बना डालूँगी। आज यही सुबह से सोच के रखा हुआ था कि आज तो मुझे ये सब चीज़ें, ये काम ख़त्म करना है। तो चलिए फिर प्रोटीन पाउडर बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच घी। इसे सौते करेंगे। सौते करने के बाद में मिक्सर में पीस लेंगे। तो चलिए प्रोटीन पाउडर बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इसके फ़ायदे तो सब जानते ही होंगे, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मखाने के, काजू बादाम अखरोट पिस्ता, ये सब के फ़ायदे तो सभी जानते होंगे। और मैं हमेशा ये मिक्सचर बना के रखती हूँ, दूध में, गरम दूध में उबाल कर पीजिए और बहुत अच्छा रहता हेल्थ के लिए। अक्सर मैं हमेशा प्रोटीन पाउडर इसी तरह से बनाती हूँ, होममेड प्रोटीन पाउडर। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और बढ़ते बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं, मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो भी मैं बना के रखती थी और अभी भी बना के रखती हूँ जब वो बड़े हो गए। तो वैसे रिया ने बोला कि मम्मा आप वो मिक्सचर जो बनाते हो आप वही बना के रखो, बहुत दिन से ख़त्म हो गया था। और वो जिम जाती है तो फिर वो पानी के साथ, दूध के साथ तो नहीं पीती है, पानी के साथ में ही 2 चम्मच खाकर जिम जाती है। तो मैंने ये पाउडर उसी के लिए बनाया है, वैसे तो सब भी खाएंगे। और इसमें आप खजूर का पाउडर मिला दीजिए, खसखस का पाउडर मिला दीजिए, थोड़ा सा उसे भून कर और पीस कर, थोड़ा ये खड़ा रहता है वो, तो उसे थोड़ा पीस देंगे तो अच्छा रहता है। और खसखस हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। इतना तो डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ और इतना मुझे पता भी नहीं है, पता भी होगा तो इतना मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता किसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये मिक्सचर मैं हमेशा अक्सर अपने फ्रिज में रखती हूँ। इसे फ्रिज में ही रखिए डब्बे में स्टोर करके, क्योंकि ये ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इसे पीस कर डब्बे में करके रख देती हूँ। तो आप लोग भी बनाइए अपने बच्चों के लिए सेहतमंद प्रोटीन पाउडर। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बनते हैं। लंच थाली में मेरा है मसूर दाल, बिना प्याज और लहसुन वाला मसूर दाल बनाया था, और राइस खाने में, दोपहर के खाने में बस यही है। ये है मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोग को कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए फिर प्रोटीन पाउडर तो बन गया, अब चलते हैं मसूर दाल को तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची लिया है, टमाटर पीस लिया है और इसमें 2 लवंग भी डाले हैं। तेज़पत्ता नहीं था, तेज़पत्ता का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन था नहीं तो नहीं डाला। मेरे बहुत सारे खड़े मसाले बहुत ख़त्म हो चुके हैं तो सब लेकर आना है। और एक इलायची डाला है मैंने इसमें। तो ये है मसूर दाल और चावल, हमारा आज का लंच थाली। यहाँ पर राइस भी बना दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरे चैनल को देखते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।